एवरीवन, वेलकम बैक टू सैंग फाइल। आज हम रिव्यू करने वाले हैं इंडस वैली प्रोफेशनल हेयर स्पा का। क्वांटिटी हमें मिल जाती है 175 ml एंड प्राइस है इसकी 299 रुपए। इस हेयर स्पा को यूज करने के बाद हमारे जो बाल हैं वो होते हैं सॉफ्ट एंड शाइनी, हमारे बाल नरिश होते हैं, रिपेयर होते हैं और काफी हमें स्मूथ एंड शाइन टेक्सचर मिलता है बालों का। यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ यूज यानी कि इसे कैसे यूज करना लिखा गया है, प्लस यहाँ पर इसके सारे इंग्रेडिएंट्स आप देख सकते हैं। चलिए इस डब्बे को ओपन करते हैं और देखते हैं हमें इसमें किस प्रकार का क्रीम मिलता है। तो आप देख सकते हैं इसमें हमें व्हाइट कलर का इस प्रकार का क्रीम मिलता है। ये क्रीम थोड़ा सा थिक है, एकदम पतला पतला सा नहीं है, हल्का सा गाढ़ा क्रीम है। यहाँ पर मैं ले रही हूँ 2 चम्मच हेयर स्पा क्रीम। आप अपने बालों की लेंथ के हिसाब से क्रीम ले सकते हैं, थोड़ी ज्यादा या थोड़ी कम, जिस प्रकार के आपके बाल हैं। तो यहाँ पर मेरे बालों में ये 2 चम्मच क्रीम काफी रहेगी। सबसे पहले आपको अपने बालों में अच्छे से शैम्पू कर लेना है, कंडीशनर कर लीजिए, उसके बाद हल्का सा बालों को आप सुखा लीजिएगा, हल्के हल्के गीले रहने चाहिए बाल, उसके बाद हम इस क्रीम का यूज करेंगे अपने बालों पर। हमारे पास ये जो हेयर स्पा क्रीम है इसे हम हल्का सा मिक्स कर लेंगे। चलिए इसे बालों में अप्लाई करते हैं। चलिए इस क्रीम को अब हम अपने बालों में अप्लाई करके बताते हैं। तो आपको सबसे पहले अपने बालों के छोटे छोटे सेक्शन कर लेने हैं, फिर आराम आराम से इस क्रीम को अपने बालों में अप्लाई करना है। इसका टेक्सचर जो क्रीम है उसका टेक्सचर काफी सॉफ्ट है, काफी मुलायम है और हमारे बाल इसको यूज करने के बाद हल्के से सॉफ्ट होते हैं। ये तो मैंने देखा है, हल्के से सॉफ्ट हो जाते हैं और हल्के से शाइनी होते हैं। तो इतना सा फर्क तो पड़ता है जब हम इससे पहली बार स्पा करते हैं। तो पर मैंने स्कैल्प पर ये क्रीम नहीं लगाई है। स्कैल्प के आगे जो हमारे बाल होते हैं यानी कि रूट से थोड़े से आगे से बाल, वहां से लेकर हमने यहाँ पर जो हमारे बालों का एंड होता है वहां पर मैंने सारी क्रीम लगाई है, लेकिन स्कैल्प पर मैंने क्रीम नहीं लगाई है। हालांकि इसमें लिखा गया है कि स्कैल्प पर भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने स्कैल्प पर नहीं लगाई है ये क्रीम, ठीक है। इस प्रकार आपको अपने बालों के छोटे छोटे सेक्शन कर लेने हैं और इस क्रीम को अच्छे से अप्लाई कर लेना है। आप देख सकते हैं इस प्रकार हम क्रीम अप्लाई कर रहे हैं। इस क्रीम को अप्लाई करने के बाद आपको 15 मिनट का वेट करना है। मैंने यहाँ पर आधा घंटा ये क्रीम अपने बालों पर लगाकर रखी थी। जब आप आधा घंटा इस क्रीम को लगा लेंगे अपने बालों में तो आपके बालों का टेक्सचर कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा। तो ये क्रीम हमारे बालों में एब्जॉर्ब हो चुकी है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे बाल अभी चिपके चिपके लग रहे हैं। आप चाहें तो सीधा इसी प्रकार अपने बालों को धो सकते हैं, नॉर्मल वाटर से धो सकते हैं। यहाँ पर अब मैं लगा रही हूँ अपने बालों में हल्की हल्की सी भाप। तो यहाँ पर मेरे पास इस प्रकार का स्टीमर है, यहाँ पर मैंने ओनली 10 मिनट तक हल्की भाप अपने बालों को दी थी ताकि जो क्रीम है वो हमारे बालों में और अच्छे तरीके से ऑब्जर्व हो जाए। मैंने नोटिस किया जब हमने 10 मिनट तक भाप लगाई अपने बालों में तो हमारे बाल है वो थोड़े से खुल गए थे। तो आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से खुले खुले से हमारे बाल हो गए थे। आपको अपने हेयर में स्टीम देने के तुरंत बाद हेयर वॉश नहीं करना है, कम से कम आपको 15 से 20 मिनट रुकना है, उसके बाद अपने हेयर वॉश करना है। दोनों प्रोडक्ट के लिंक मिल जाएंगे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो यदि आपको खरीदना हो तो वहां से खरीद सकते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे बाल कुछ खुले खुले इस प्रकार हो गए हैं। ये हमने हेयर वॉश कर लिए हैं और बाल सूखने के बाद कुछ इस प्रकार के लग रहे हैं, थोड़े से सॉफ्ट हो गए हैं, थोड़े से शाइन हो गए हैं, हल्का सा फर्क मुझे लग रहा है, ज्यादा नहीं लेकिन हल्का सा फर्क है हमारे बालों में। बिग थम्स अप फॉर दिस। यदि आप इसे यूज करना चाहें तो कर सकते हैं, पहली बार में आपको पसंद तो जरूर आएगा। हालांकि ये केमिकल प्रोडक्ट है लेकिन हमारे बाल एक बार के लिए तो इंस्टेंटली थोड़े से सॉफ्ट हो जाते हैं, थोड़े से शाइनी हो जाते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें एंड सब्सक्राइब टू सैंग स्टाइल। थैंक यू।